हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9 अलजेब्रा लेसन नंबर 3 पॉलीनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.2। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। क्या दिया गया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, यूज द गिवन लेटर टू राइट द आंसर। मीन्स हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमको इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लैट। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी, देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर ईयर्स ईयर्स। मीन्स क्या बोला गया है, 8 ट्रीज वहां पे है, 8 ट्रीज है, 8 ट्रीज रहने के बाद में एक साल में 20 ट्रीज इंक्रीज हो रही है। 8 ट्रीज पहले से थी और 20 ट्रीज जो है इंक्रीज हो रही है एक साल में, तो यक्स ईयर्स में, मींस यक्स ईयर्स में कितने ट्रीज और इंक्रीज होगी, इसको कैसे लिखोगे। यहाँ पे लिखो देयर आर ए ट्रीज, 8 ट्रीज तो पहले है, उसके बाद में इन अ ईयर बी ट्रीज इंक्रीज, ये फर्स्ट ईयर का है 8 ट्रीज और एक साल में बी ट्रीज इंक्रीज हो रही है। सो दैट इन यक्स ईयर, यक्स ईयर में कितना ट्रीज इंक्रीज होगा, तो बी इंटू यक्स हो जाएगा। देखो एक साल में अगर बी ट्रीज इंक्रीज हो रही तो यक्स साल में कितना हो जाएगा, बी में यक्स का मल्टीप्लाई करोगे, मींस बी इंटू यक्स का मींस क्या हो गया, बी यक्स ट्रीज जो है इंक्रीज होगी। सो टोटल ट्रीज कितना हो जाएगा, देखो ए ट्रीज पहले का था प्लस बी इंटू यक्स एक साल में इंक्रीज हो रही है, मीन्स एक साल में ये कितना ट्रीज इंक्रीज हो जाएगी, ए प्लस बी यक्स। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकंड करते हैं, फॉर द पैरेट देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड यक्स सच दैट रो आर फॉर्म, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द पैरेट इन ऑल। इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो देयर आर y students in a row, means one row में y students हमको दिया गया है। अब क्या बोला गया, ऐसे ऐसे x rows form किए गए हैं, यहाँ पे लिख लो x row formed। जब x row form होगा तो ये क्या हो जाएगा, so that total student इक्वल टू यक्स इंटू वाई बनेगा। देखो ये वन रो है, ठीक है, ये वन रो है, इसमें वाई स्टूडेंट है और ऐसे ऐसे टोटल जितने भी रो रहेंगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स वाई स्टूडेंट्स, मीन्स इसका मल्टीप्लाई करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं थर्ड। क्या दिया गया थर्ड क्वेश्चन में, देखो द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द टू डिजिट नंबर इज यम एंड यन रिस्पेक्टिवली, राइट द पॉलीनोमियल विच रिप्रेजेंट्स द टू डिजिट। मीन्स हमको यहाँ पे टेंस प्लेस दिया गया है और यूनिट प्लेस दिया गया है, यहाँ पे लिख लो टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में क्या दिया गया है, यम, और यूनिट प्लेस में कितना दिया गया है, यूनिट प्लेस इक्वल टू यन दिया गया है। तो हमारा जो डिजिट होता है, टू डिजिट नंबर इक्वल टू, देखो जो टेंस प्लेस होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और जो यूनिट प्लेस होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू टेंस प्लेस कितना है, यम, प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस कितना है, यन, तो ये क्या हो जाएगा, 10 एम प्लस यन, ये आएगा हमारा डिजिट। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एट द गिवन पॉलीनोमियल, ये हमको यहाँ पे देखो टू पॉलीनोमियल दिया गया है,
इसको हमको ऐड करना था। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 एक्स का पावर 3 प्लस 2 एक्स प्लस 9, ये इस तरीके का दिया गया है। तो हम यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 एक्स का पावर 3 प्लस 2 एक्स प्लस 9। अब यहाँ पे ध्यान दोगे जो पावर सेम है उसको पहले लिख लो, देखो यहाँ पे एक्स का पावर 3 है, यहाँ पे भी एक्स का पावर 3 है, इसको साथ में लिखो, एक्स का पावर 3 प्लस 5 एक्स का पावर 3 माइनस 2 एक्स 2, 3 के बाद 2 का आ जाएगा, बट 2 के साथ में कोई पेयर नहीं बन रहा है, फिर ये एक्स का पावर 1 फिर माइनस 9 प्लस 9, यहाँ पे देखो माइनस 9 है प्लस 9 है, तो ध्यान दोगे जब माइनस 9 प्लस 9 है तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स का पावर 3 इसमें भी है, एक्स का पावर 3 इसमें भी है, जब यहाँ पे इसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 6 एक्स का पावर 3 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 एक्स का पावर 3 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले देखो एक ये है फिर ये है, इसको हमको प्लस करना है, तो पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस 7 एम का पावर 4 प्लस 5 एम पावर 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, ब्रैकेट है, ये हो जाएगा 5 एम पावर 4 माइनस 3 एम पावर 3 प्लस 2 एम स्क्वायर प्लस 3 एम माइनस 6। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा माइनस 7 एम पावर 4 प्लस 5 एम पावर 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 एम पावर 4 माइनस 3 एम क्यूब प्लस 2 एम स्क्वायर प्लस 3 एम माइनस 6। अब ब्रैकेट ओपन हो गया, अब इसमें क्या करो, कॉमन ढूंढो, तो ये देखो यहाँ पे एम का पावर 4 है, यहाँ पे भी एम का पावर 4 है, तो इसको एक साथ में लिख लो, माइनस 7 एम पावर 4 प्लस 5 एम पावर 4 प्लस, यहाँ पर देखो ये क्या है, m पावर 3 है, 4 से नीचे क्या होता है 3 होता है, तो 3 का भी यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5 m पावर 3 माइनस 3 m पावर 3 प्लस m पावर 3 हो गया, अभी m पावर 2 ये 2 m पावर 2, अब यहाँ पे देखो 2 m पावर 2 का तो पेयर नहीं बन रहा है, ये उसके बाद 3 m देन माइनस 6 उसके बाद प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2, तो हम लोग इसको अंडर रूट 2 पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, m पावर 4 है, इसको सॉल्व करो पहले, ये m पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 5, माइनस 7 प्लस 5 क्या होगा, माइनस 2 m पावर 4 प्लस 5 m पावर 3 माइनस 3 m पावर 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, 2 एम पावर 3 प्लस 2 एम स्क्वायर प्लस 3 एम माइनस 6 प्लस अंडर रूट 2। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। क्या दिया गया देखिए थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो हमको 1 दिया गया है, 2 दिया गया है एंड 3 दिया गया है, मीन सबको 3-3 दिया गया है, हमको यहाँ पे इसको तीनों को प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखो 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3, इस तरीके का है। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे पहले 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसका है, y का पावर 2 है,
ये y का पावर 2 वाला पहले लिख लो, ये देखो 2y 2 और यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये y का पावर 2 हो गया। अब y का पावर 1 7y 3y एंड माइनस 4y, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 3y माइनस 4y। देन उसके बाद में क्या आएगा 5 9 माइनस 3, 5 प्लस 9 माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान दोगे y का पावर 2, y का पावर 2 है तो ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5y का पावर 2 हो जाएगा प्लस 7y प्लस 3y माइनस 4y, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 4 6y प्लस 5 प्लस 9 14, 14 माइनस 3 11। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, मींस फर्स्ट पॉलिनोमियल में से सेकंड को माइनस करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x का पावर 2 माइनस 9x प्लस अंडर रूट 3, माइनस करना है सेकंड ब्रैकेट क्या है माइनस 19x प्लस अंडर रूट 3 प्लस 7x का पावर 2, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे मालूम है, पहला जो ब्रैकेट है उसको हम सेम लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट में ये चीज ध्यान देना, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सब की साइन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 19x। अब यहाँ पे प्लस अंडर रूट 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 7x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। अब क्या करो, ये देखो ये क्या है x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, इसको एक साथ में लिख लो x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x और 19x, 9x प्लस 19x प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, सब हो गए अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 7x मींस यहाँ पे क्या है 1 है, 1 माइनस 7 कितना होता है माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 9 प्लस 19, माइनस 9 प्लस 19 कितना होगा प्लस 10x होगा। सो फ्रेंड्स ये आएगा हमारा आंसर, इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, इसको क्या करना है माइनस करना है। फिर से इसको ब्रैकेट में लिखो 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको ब्रैकेट ओपन करो 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab। अब यहाँ पे देखो ये माइनस कर रहे हैं तो ये जो है सेकंड ब्रैकेट में सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस 3ab है ये हो जाएगा माइनस 3ab, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 8ab स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो 2a स्क्वायर b, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसमें से सर्च करो ab स्क्वायर यहाँ पे है, ab स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको एक साथ में लिख लो 2ab स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b है, यहाँ पे 2a स्क्वायर b है, तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b। देन क्या बचा है माइनस 4ab माइनस 3ab। अब यहाँ पे देखो ab स्क्वायर दोनों में है तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10ab स्क्वायर होगा प्लस, इसमें भी देखोगे a स्क्वायर b दोनों में 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 a स्क्वायर b माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 a b।
इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वन ए स्क्वायर बी आया ना, तो वन आप लोग लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो दोस्तों, इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।